राइट सो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स राइट नाउ हम लोग कॉकरोच के आंख के पास है मैं अभी आ जाता हूं कॉकरोच के दोनों आंख के बीच में क्लियर अभी मेरे दो साइड से दो आईज है कॉकरोच के लुक एट दिस है ना दीज आर टू डार्क ब्लैक किडनी शेप्ड आइज कॉकरोच के आइज कंपाउंड आईज है कंपाउंड आईज हम इसके अंदर भी जाएंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कंपाउंड आईज का स्ट्रक्चर कैसे है क्लियर अभी आईज के जस्ट नीचे देखो मेरे कंधे के दोनों साइड से व्हाइट स्पॉट दिख रहे व्हाइट स्पॉट दिख रहे बच्चा व्हाइट स्पॉट दिख रहे हैं ना आर कॉल्ड फेनिस्ट्रे और कई बुक्स में ऐसे दिया है दिस फेनिस्ट्रे और ऑसिलार स्पॉट्स आर सिंपल आई ऑफ कॉकरोच क्लियर अब वो आइज और एंटे आइज और फेनिस्ट्रा के बीच में से निकले ये एंटेना एंटीना ऑफ कॉकरोच ये भी sensory है। तो आज के इस वीडियो में हम अलग अलग sensory organs of cockroach पढ़ रहे हैं। कंपाउंड आईज ऑफ ऑफ कॉकरोच और माउथ पार्ट्स में कुछ पार्ट्स होते हैं मैक्सिला एंड लैबियम उसके ऊपर स्मॉल हेयर स्ट्रक्चर होते हैं पल्प एंड एनल सिरसाई र सेंसरी ऑर्गन इन कॉकरोच सो लेड्स ट्राइ टू अंडरस्टैंड अबाउट आइज ऑफ कॉक्रोच हाउ माई डियर स्टूडेंट लुक एट दिसर आइज ऑफ कॉक्रोच कॉक्रोच हैजेर ऑफ डार्क ब्लैक किडनी शेप्ड कंपाउंड आइज आइज के नीचे है ये ऑसिलर स्पॉट्स ये सेंसरी ऑर्गन नहीं है बट इन सम बुक्स इट इज गिवन एज अ सिंपल आई कुछ बुक्स में आपको ऐसे दिया है ये आंख के अंदर जो ओमैक्टेडियम हो होते यूनिट्स दैट आर कंसिडर्ड एज सिंपल आई अब ये दोनों के बीच से निकले ये एंटेना सो ये फर्स्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट आईज ऑफ कॉकरोच इच आई इज डार्क एंड किडनी शेप्ड कंपाउंड आई आई ऑफ द कॉक्रोच इज फॉर्म बाय मेनी हेक्सागोनल ब्लॉक्स 2000 about 2000 अबाउट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड टू थाउजेंडागोनल और ओमेटेडियम देखो अभी हम जा रहे हैं ये सिंपल आइस कंपाउंड आइस से अंदर के अंदर हा तो अब आ हाँ गए हम ये आइस के बहुत करीब से क्लोज में देखो बच्चों एक एक आंख के अंदर एक एक आंख के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे 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 ब्लॉक्स दिख रहे स्मॉल पार्टिकल्स स्मॉल स्ट्रक्चर्स कॉल क्या बोलेंगे इसको ध्यान में रखना कॉकरोच की आंख सिंपल आंख नहीं होती है कंपाउंड आइज और एक एक आंख के अंदर 2000 हजार और टू हेक्सागोनल यूनिट्स होते हैं कॉल्ड एज कॉलडासमेटिडियम और ओमैक्टिडिया अब ये ओमेटिडियम होने की वजह से जो इमेज होती है कॉकरोच को इमेज बहुत ब्लर बहुत ऐसे धुंधला दिखाई देता है दैट इज द आइज ऑफ कॉक्रोच यूजली शोज ब्लर इमेज एंड नोन एज ब्लर मोजेइक इमेज और ब्लर मोजेक विजन इट एज लेस रिजोल्यूशन एंड मोर सेंसिटिविटी ब्लर इमेज और ब्लर विजन नोन एज ब्लर मोजेइक विजन राइट एंड दिस इज हैविंग लेस रिजोल्यूशन विथ मोर सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है हैंड्स कॉकरोचेस है विजन रात में उनको बहुत अच्छे से दिखाई देता है सेंसिटिविटी ज्यादा होती है रिजोल्यूशन में भी थोड़ा सा कम होता है सो दे है नॉक्टर्नल विजन रात में भी अंधेरे में भी उनको दिखाई देता है बिकॉज ऑफ दिस सेंसिटिविटी सो दिस इज अबाउट आईज़ ऑफ कॉकरोच नाउ एंटेना